गाइस वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो भाई हम आज चलते हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। गन्ना जिसको ईख बोलते हैं, आपको मालूम ही होगा कि गन्ना खाने के लिए दांत का मजबूत होना ज़रूरी है, मगर अफसोस की बात है कि इस ज़माने में और नौजवान सबको और नौजवान लोगों और लड़कों की दांत इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो मामूली से मामूली चीज़ों को भी तोड़ नहीं सकते। उसकी दांत हिल जाती है या दांत से ब्लड निकल जाता है, वो पीलिया की बीमारी या प्रॉब्लम हो जाती है। तो दांत को की रक्षा करें और दांत की हिफाजत करें। हम उसके लिए सजेस्ट करेंगे कि भाई हर इंसान मिसवाक करे, मिसवाक जतमन जो बोलते हैं उसको। इससे क्या होता है, दांत का मसूरा मजबूत होता है और बुढ़ापे तक आपका दांत मजबूत रहेगा और दांत आप बरस कर सकते हैं। रात के सोते वक्त जो मुलायम बरस हो और जिसकी दांत जो है नरम हो, उस ऐसे बरस का इस्तेमाल करें, हार्ड दांत का इस्तेमाल ना करें। और लाल मंजन जो पुराने वक्त में लोग इस्तेमाल करते थे, वो लाल मंजन इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है पेस्ट के मुकाबले में। और मिसवाक ज़रूर हर इंसान इस्तेमाल करें। तो चलिए गन्ने का जूस पीते हैं और गन्ने का जूस मशीन से कैसे निकलता है आपको दिखाते हैं। तो हमारे वीडियोस पर लगे रहें, वीडियोस को स्किप ना करें। आपका भाई कितनी मेहनत के साथ एक वीडियोस को तैयार करता है सिर्फ आपके लिए, आपके एंजॉय के लिए। और आप ज़िंदगी है एंजॉय के लिए, अच्छी चीज़ों का एंजॉय करें, गलत चीज़ों का एंजॉय ना करें। तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा वीडियो और हमारे चैनल पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो चलते हैं गन्ने का जूस पीने और चलिए तो फिर आदाब भाई, ये गन्ने की मशीन है, ये इसमें देखिए गन्ने का रस कैसे निकल रहा है। जाली लगी हुई है, जाली और नीचे में बर्तन है, जाली को छन करके सोया का रस उसमें सफाई के साथ अंदर जा रहा है। और ये मशीन है जिस मशीन में गन्ना लगाया जाता है, इधर से गन्ना डाला जाएगा और इधर से भी गन्ना निकलेगा। ये लगाइए गन्ना, गन्ने रखे हुए हैं। तैयार करिए। ये गन्ना वाले भाई हैं, कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? जी 70 साल होगा। नहीं, आपका? मेरा नहीं, भैया का है। भैया का मैंने गोया कि यहाँ पर 60-70 साल से लग रहा है ये, समझने। और आपका शुभ नाम क्या हुआ है? शुभ नाम आपका, नाम रत्नेश कुमार का काउंटर है। और रत्नेश कुमार का जी, ये पानी टंकी गोलंबर पर आप आ करके यहाँ इंजॉय ले सकते हैं गन्ने का जूस का। और आपको यहाँ फ्रेश गन्ना मिलेगा और इसका जूस आपको साफ सुथरा, देख रहे हैं ये सब पानी वगैरह रखी जाती है ये सफाई वगैरह के लिए। और यहाँ आपको एकदम फ्रेश चीज़ मिलेगी आपको, आप इस गिलास में पीना चाहें या आप इसमें डिस्पोजल वगैरह में भी आप पी सकते हैं। इसको आपने आपको मन करे 10-20 रुपये बनाइए 20 रुपये का बनाइए। देख रहे जनरेटर पड़िए ऐसा है, 20 का गिलास बनाना है।
हमारा यूट्यूब पर चैनल हमारा है, आपका गन्ना का प्रचार हो जाएगा यहाँ पर। गाइस तो ये देख पा रहे होंगे, ये गन्ने का जूस। ये गाइस तो ये आ गया गन्ने का जूस, ये 20 रुपये गिलास है, ये देख रहे हैं, ये 20 रुपये गिलास। और आप भी आके एंजॉय कर सकते हैं ये गन्ने का जूस का। तो चलिए फिर पीते हैं और फिर आपको बताते हैं। गाइस तो बहुत ही स्वादिष्ट इसका गन्ने का रस था। तो आप भी आकर के, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आकर के इसका एंजॉय ले सकते हैं और गन्ने का जूस आप पी सकते हैं। देख रहे हैं कितनी सफाई के साथ गन्ने का रस निकाला जाता है और यहाँ तैयार कर करके कस्टमर को दिया जाता है। देख रहे हैं ये मशीनें चल रही हैं, ये गन्ने के रस इससे निकाले जाते हैं। तो हमारे वीडियोस पर लगे रहें और लाइक शेयर करना आप ना भूलें। अगर नए हैं तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।